good morning student student this is your worksheet 26 and important notice for all of you wear masks follow physical distance maintain and hygiene okay now we start our lesson you have to submit this worksheet on tuesday okay you will submit your work on tuesday this is your lesson लेसन सिक्स चैप्टर आपका लोगो कमांड्स इन प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट हाउ टू हाइड द टर्टल हाउ टू शो द टर्टल हाउ टू क्लियर द स्क्रीन सॉरी हाउ टू शो द टर्टल हाउ टू फॉरवर्ड द टर्टल और हाउ टू बैकवर्ड द टर्टल वी लर्न अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सीएस C T P U P D. What is the meaning of C S? The full form of C S is clear screen. Okay. CSC -C means clear as for screen. Now learn about the clear screen. What is the clear screen? In primitives or CS primitives, clear the entire picture drawn in the graphic clean. Sorry, graphic screen. सीएस प्रिमिटी क्लियर द एंटायर पिक्चर ड्रॉन इन द ग्राफिक स्क्रीन मीन्स जब भी हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं तो अगर हमें को रब करना है तो हम किसका यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन का सो क्लियर स्क्रीन क्लियर द एंटायर पिक्चर ड्रॉन इन द ग्राफिक स्क्रीन जो भी आप पिक्चर बनाते हो टर्टल को आप बैकवर्ड लेफ्ट जो भी आप करते हो उसको लेफ्ट टर्न राइट टर्न बैक बैक और फॉरवर्ड करते हो जो टर्टल का मूव होता है डायरेक्शन जो भी कर, बनाते बनाते फॉरवर्ड uh, होते कोई भी डायरेक्शन कोई भी शेप वो ले लेता है उसको हटाने के लिए उसको रब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन का ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सीटी सीटी मीन्स क्लियर टेक्स्ट सीटी प्रिमिटिव इज यूज टू क्लियर द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेक्स्ट स्क्रीन कॉन्टेंट्स ऑफ द टेक्स्ट स्क्रीन मीन्स जो भी आप टेक्स लिखते हो उस, उसको रब करता है क्लियर टेक्स जो भी आप कमांड देते हो टर्टल को जैसे एफ डी कमांड देते हो तो उसको रब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं क्लियर टेक्स का जब हम क्लियर टेक्स का यूज करते हैं तो सिर्फ आपका क्या रब होता है ओनली टेक्स आपका रब होता है ना कि ड्राइंग आपकी रब होती है मतलब रब मीन्स क्लियर ओके तो इन दोनों में डिफरेंस देखो क्लास सी एस और सी टी में सी एस प्रोमिटी क्लियर द एंटायर पिक्चर सिर्फ ये पिक्चर को रब करता है और क्लियर टेक्स को क्लियर करता है ये भी आपको मैं इसमें ड्रॉइंग की हेल्प से बताऊंगी कि क्लियर स्क्रीन और क्लियर टेक्स को हम कैसे यूज करते हैं ओके नाउ थर्ड वन इज पी यू पी यू मीन्स पेन अप दिस कमांड ऑर्डर द टर्टर टू लिफ्ट द पेन अप फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्राॅइंग एनी लाइन पेन अप का यूज हम किस लिए करते हैं जो भी आपको अगर ड्राइंग नहीं बनानी है ठीक है जब आपको ड्राइंग नहीं बनानी है और ड्राइंग से हाफ छोड़ के आगे ड्राइंग बनानी है हाफ पार्ट में तो हम किसका यूज करते हैं पीयू का मीन्स पेन डाइप का दिस कम ऑर्डर टू लिफ्ट द पेन अप जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हो ड्राइंग बनाते हो तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाने के लिए बीच में स्पेस छोड़ते हो तो वही हम इसमें यूज करते हैं पेन अप का यूज कि बीच में अगर हमें कोई स्पेस छोड़ना है कि वहां हमें लाइन की जरूरत नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं पेन अप का काम पेन अप का यूज करते हैं तो पेन अप फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्राॅइंग उस जगह पे जब हमने पेन अप यूज किया है तो उस जगह में आपकी कोई भी ड्राइंग नहीं बनती है तो इसी को कहते हैं आप पेन अप कमांड पी यू मीन्स पेन अप कमांड नाउ नेक्स्ट वन इज पी डी मीन्स पेन डाउन जब हमने पेन को ऊपर कर लिया तो वो हो गया पेन अप पेन को नीचे कर लिया है पेन डाउन ओके ये होता सब एफ डी आर टी यही मूवी है लेकिन इसको नाम रखा गया है पीयू और पेन डाउन ऑन द स्क्रीन एंड ड्रॉ अगेन आप लोगों ने पीयू ऊपर पेन अप को ऊपर किया जिससे कि आपकी ड्रॉइंग नहीं बनी लेकिन जब आप पी डी का यूज करोगे तो उससे आपकी ड्रॉइंग वो फिर से आपका जो टर्टल है वो मूव करने लग जाएगा वो आपको दिखेगा और वो उसमें बिना बिना के के तो पेन अप में यूज होगा और जब वो ड्राइंग करेगा तो वो पेन डाउन में यूज होगा तो इसको भी मैं आपको ये पेन अप और पीयू का यूज में आपको प्रैक्टिकल में अभी बताऊंगी जिससे आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा ओके okay? नाउ <coughs> नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिंट कमांड बट द प्रिंट कमांड प्रिंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिमेटिव टू डिस्प्ले अ लेटर नंबर वर्ड और अ सेंटेंस ऑन द स्क्रीन प्रिंट जो होता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिमेटिव क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिमेटिव है प्रिमेटिव जो मैंने आपको बताया था एफ डी आर टी पी यू पी डी ये सब हमारे क्या है प्रिमेटिव है टू डिस्प्ले अ लेटर नंबर वर्ड और अ सेंटेंस ऑन द स्क्रीन अगर हमें स्क्रीन में लेटर लिखना है नंबर और ए सेंटेंस कुछ भी लिखना है तो हम किसका यूज करते हैं प्रिंट कमांड का वी यूज प्रिंट कमांड फॉर टू राइट लेटर नंबर और वर्ड और सेंटेंस ऑन द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो यूज द सेम प्रिंट कमांड फॉर डूइंग कैलकुलेशन देखो लेटर नंबर और वर्ड और सेंटेंस के लिए प्रिंट कमांड यूज भी होता है लेकिन साथ ही साथ प्रिंट कमांड किस लिए यूज करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन मीन्स एडिशन सब ट्रैक मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ओके तो हम प्रिंट कमांड से हम इसमें प्लस माइनस सबके जो कैलकुलेशन है वो उसका भी यूज हम कर सकते हैं प्रिंट प्रिमिटेज डिस्प्ले द आउटपुट इन अ रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स जो उसका डिस्प्ले होगा मतलब लेकिन जो हम इसका आंसर आएगा आपका आंसर किस में आएगा रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में आपका मेन स्क्रीन में नहीं आएगा मेन स्क्रीन और अ ग्राफिक स्क्रीन एक ही होता है दोनों के नेम सेम है मेन स्क्रीन और अ ग्राफिक स्क्रीन तो आपको वो वहां पर नहीं दिखाई देगा आपको सिर्फ दिखाई देगा रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में ठीक है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट इज पी आर तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट प्रिमेटिव इज पी आर दिस कमांड टेक्स ओनली वन इनपुट एट अ टाइम ये जो प्रिंट हम जो कमांड जो हम देंगे वो एक बार में एक ही को हम देंगे जैसे अगर हम लेटर लिख रहे हैं उसमें हम एक ही बार देंगे नंबर वर्ड और अ सेंटेंस ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगी तब आपको ढंग से समझ में आएगा ओके okay? अभी सिर्फ हम प्रिंट कमांड में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंट आ नंबर उसके बाद है सेंटेंस वर्ड डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन अभी आपके पास बहुत सारे इसमें प्रिंट कमांड के कैसे कैसे करते हैं वो देखेंगे लेकिन अभी आप सिर्फ प्रिंटर नंबर आप देखो कैसे इसमें हम यूज करेंगे टू डिस्प्ले आ नंबर अगर हमें सिर्फ नंबर नंबर मीन्स वन टू थ्री फोर वन से लेकर हंड्रेड थाउजेंड कोई भी अगर हमें नंबर चाहिए लिखना है तो टाइप प्रिंट इन अ इनपुट बॉक्स हम सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रिंट पी आर आई एन टी हम इसको टाइप करेंगे ठीक है प्रिंट को टाइप करेंगे वो भी इनपुट बॉक्स में प्रेस स्पेस बार की फिर आपको स्पेस देना है टू लीव वन स्पेस ओके एंड टाइप अ नंबर उसके बाद आपको कोई भी नंबर लिखना है वन से लेकर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड कुछ भी आप नंबर लिख सकते हो आफ्टर दैट इट विल डिस्प्ले ओनली अ नंबर आपको उसके बाद सिर्फ आपको नंबर ही दिखाई देगा आपको सिर्फ प्रिंट नहीं दिखाई देगा आपको सिर्फ जो जो आप नंबर लिखोगे फाइव लिखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा ओनली फाइव ही आएगा एज एन आउटपुट इन अ रिकॉल लिस्ट बॉक्स इसमें आएगा प्रैक्टिकल सी दिस इज योअर लोगो स्क्रीन ओके यू कैन डाउनलोड योर लोगो स्क्रीन इन योर होम इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर ओके नाउ लर्न अबाउट सी एस सी एस मीन क्लियर स्क्रीन सो सबसे पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट ये आपका रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स है ये आपका इनपुट बॉक्स है देखो ये आपका रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स है ये आपका इनपुट बॉक्स है ये दिख रहा है ग्रे सी वाला व्हाइट वाला ये आपका ग्रे ये आपका इनपुट बॉक्स रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स और इसे कहते हैं मेन स्क्रीन और ग्राफिक स्क्रीन जहां पर टोटल आपका स्टे करता है

वन हंड्रेड मीन्स टर्टल को हमने कहा है एवरी स्पेस हंड्रेड मतलब फॉरवर्ड चलो लेकिन कितना कदम हंड्रेड कदम देन प्रेस एंटर यह हंड्रेड कदम आगे चल गया और ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा था किस में गया है रिकॉल लिस्ट बॉक्स में ठीक है सेव यहां पर हमारा जो भी टेक्स्ट है ये सेव होता है नाउ आर टी मतलब राइट टर्न देन स्पेस नाइन नाइनटी एंड एंटर तो वो राइट right टर्न हो गया है ओनली हेड ऑफ द टर्टल मीन्स राइट टर्न का क्या बताया था कि द टर्टल मूव टर्न्स द हेड ऑफ़ द टर्टल टूवर्ड राइट साइड क्यों क्योंकि हमने लिखा है आरटी आरटी मीन्स राइट टर्न ओके अब इसको आगे फिर से बोलेंगे चलने के लिए एफ डी स्पेस वन ट्वेंटी एंटर ओके अब इसे नीचे आने के बोलेंगे नीचे आने के लिए लेफ्ट टर्न इस तरफ हो गया राइट right, इस तरफ हो गया इसका इस तरफ राइट right और लेफ्ट जो भी जहां आप लिखोगे उस तरफ वो मुड़ेगा तो अभी मैं लिखती हूँ ओनली एल टी स्पेस एटी देन एंटर तो ये किधर हो गया लेफ्ट टर्न में ठीक है ये लेफ्ट टर्न हो गया फिर से मैं आगे बोल रही हूं इसको चलने के लिए एफ टी स्पेस हंड्रेड तो पहले मैंने लिखा था एफ डी हंड्रेड तो हंड्रेड पढ़ा था आरटी नाइनटी तो उसने हेड अपना टर्न किया था देन एफ डी वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी कदम चला दे की तरफ मतलब लेफ्ट टर्न की तरफ देन एफ डी वन एटी जो जो मैंने लिखा है वो सब रिकॉल इस बॉक्स में मेरा सेव होता गया ठीक है अब मैं बोल रही हूँ उसको सी एस मीन क्लियर स्क्रीन तो उसको जो मैंने लिखा है ये ड्राइंग मेरी क्लियर हो जाए तो मैं प्रेस करूंगी ओनली सी एस सी एस मीन्स क्लियर स्क्रीन देन एंटर देखो ओनली मेरी ड्राइंग रब हुई है टेक्स्ट डिलीट हुआ है नहीं क्योंकि मैंने अभी कौन सा एंटर दिया है कौन सा कमांड दिया है एस सी एस मीन्स क्लियर द ड्राइंग अब इसको जो मैंने टेक्स लिखा है उसको रब करने के लिए उसको क्लियर करने के लिए क्या प्रेस करूंगी सी टी सी तो योर टेक्स इज डिस और आपका क्या रिमूव हो गया है रिमूव हो गया ओके okay? आपका टैक्स हर कमांड का अपना अपना अलग अलग मेथड है तो सी एस में जो अभी टैक्स लिखा था सॉरी सी एस में जो भी, भी ड्राइंग आपने बनाई थी <coughs> वो आपकी डिलीट हो गई है और सी टी मीन्स क्लियर टेक्स जो भी मैंने टैक्स लिखा था वो सब डिलीट हो गया है ओके फिर से देखो एफ टी स्पेस वन फोर्टी एंटर एल टी स्पेस नाइनटी एंटर और के अब देखो मैं के ले रही हूं मतलब बैकवर्ड वन ट्वेंटी तो मेरा ये टोटल आगे जाने के बदले बैक हो गया ठीक है हटाने के लिए ड्राइंग को हटाने के लिए सी एस एन एंटर टैक्स को हटाने के लिए सी टी एंटर तो मेरा टेक्स भी हट गया अब हम करेंगे पीयू और पीडी का यूज तो पहले पीयू पीडी का यूज करने के लिए पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी तो फिर से एफ डी स्पेस एंटर एल टी स्पेस नाइनटी एंटर एफ डी स्पेस वन एंटर ओके अब मुझे एक मिनट पहले एल टी स्पेस सॉरी एंड नाइन एंटर अब मैं चाहती हूँ यहां से लेकर यहां तक मेरी कोई भी ड्रॉइंग नहीं बने यहां से लेकर यहां तक मेरी कोई भी ड्रॉइंग नहीं बने मतलब एक लाइन सीधी लाइन नहीं आए तो मैं किसका यूज करूंगी पीयू का सिर्फ मुझे लिखना है यहाँ पर देखना क्लास लिखूंगी मैं पी यू देन एंटर अब मेरा पी यू मैंने एंटर करा है तो मेरा ये पेन जो ये मेरा टटल वो अप हो गया है फिर आगे मैं बढ़ूंगी उसको एफ डी स्पेस वन फोर्टी एंटर देखो मैंने पी यू दिया है इससे मतलब अब मुझे कमांड की जरूरत नहीं है मुझे ये जो लाइन है उसकी जरूरत नहीं है और फिर उसके बाद मैंने दिया है एफ डी वन फोर्टी तो ये बिना लाइन खींचे एफ डी वन फोर्टी आगे बढ़ गया है फिर से इसको टर्न कराऊंगी आर टी स्पेस सेवन एंटर अब मैं चाहती हूं मुझे लाइन आ जाए यहां तक नहीं चाह रही थी तो मैं पी यू कर दिया था अब मैं चाहती हूं कि यहां पर लाइन आ जाए ठीक है तो मैं किसका यूज करूंगी पी डी देन अंटर देन एफ डी स्पेस वन हंड्रेड सी इसी को कहते हैं पीयू और पी डी पीयू से आपका जो आपकी जो लाइन है वो शो नहीं होती पी डी से आपकी लाइन शो होती है जैसे एच टी से हमारा टोटल हाइड होता है और एस टी से हमारा टोटल शो होता है सेम वैसे ही पी यू से आपका जो लाइन है वो शो नहीं होती अब पी डी से आपकी लाइन शो होती है फिर से मैं पी यू का यूज करूंगी देखो अब फिर से मैं करू पी यू एंटर ओके देन एफ डी स्पेस वन फोर्टी एंटर देखो मैंने यहां पर एफ डी से पहले मैंने पी यू का यूज किया था जिससे कि मेरी लाइन नहीं शो हु, हुई थी अब मैं फिर से पी डी का यूज करूंगी लेकिन पहले मैं इसको टर्न कर देती हूँ नाइनटी अब मैं चाहती हूं मेरी जो लाइन है वो आगे शो हो तो किसका यूज करूंगी पी डी का पी डी एंटर पी डी एंटर एफ डी स्पेस वन हंड्रेड नाउ एंटर पी डी का मैंने यूज किया तो मेरी लाइन शो हो गई है मेरी ड्राइंग शो हो गई है ओके okay? ये था आपका पीयू और पी डी प्रैक्टिकल में मैंने आपको इसमें बता दिया जिसके पास घर में ये सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड किया है तो उसको आप लोग यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसा ये काम करता है ओके okay? ड्राॅइंग को रब करने के लिए फिर से सी एस एंटर टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सी टी एंटर टेक्स भी डिलीट हो गया ओके okay. ये था आपका सी एस फॉर क्लियर द स्क्रीन सी टी फॉर क्लियर द टैक्स पी यू फॉर पेन अप लिफ्ट पेन अपी फॉर पेन पैन डाउन ऑन द स्क्रीन नाउ वी लर्न अबाउट द प्रिंट कमांड सी अब जो भी हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं वो हम जो भी हमारा आंसर डिस्प्ले होगा रिकॉल लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा वो कोई आंसर हमारा मेन स्क्रीन और ग्राफिक स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगा हम इनपुट बॉक्स में हम कमांड लिखेंगे और वो सेव होगा इसमें रिकॉल लिस्ट बॉक्स में ओके देखो आप कैसे करते हैं सबसे पहले आपको जैसे टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए एफ डी आर टी एल टी का यूज करते हैं लेकिन इस करते थे प्रिमेटिव का वैसे ही सेम इसमें एफडीआर टी नहीं लेंगे सेम सिर्फ हम प्रिंट लेंगे जो भी हम कैलकुलेशन निकालेंगे जो भी हम नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है पी आर आई एन टी सी पी आर आई एन टी स्पेस अभी हम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हम नंबर लिखेंगे मैं चाहती हूँ वन टू थ्री लिखा है मैंने अभी मैंने क्या लिखा है नंबर लिखूंगा अभी से मैंने प्रिंट लिखा है दिन स्पेस ओनली नंबर मैंने लिखा है वन फोर फाइव ओके देन प्रेस ऑन एंटर बटन तो आंसर मेरा क्या आया वन फोर्टी फाइव जो मैं आंसर दूंगी प्रिंट में सिर्फ अभी वन फोर्टी फाइव लिखा है तो आंसर मेरा वन फोर्टी फाइव ही आएगा देखो फिर से पी आर आई एंड टी स्पेस एंड इसके बाद में कोई भी नंबर सेवन एट नाइन दिया मैंने लिखा है ओके देन प्रेस एंटर बटन ऑन द कीबोर्ड Your answer is 789. अगर आप लोग इसमें स्पेस नहीं दोगे तो देखो कैसा दिखाएगा पी आर आई एंड टी प्रिंट और प्रिंट के बाद कोई भी नंबर के बीच में आप स्पेस नहीं दोगे वन टू थ्री मैंने स्पेस नहीं दिया है और मैं एंटर करूंगी तो ये लिखा है आई डोंट नो वट टू प्रिंट उसे नहीं पता की प्रिंट वन टू थ्री क्या है ठीक है प्रिंट वन फोर्टी फाइव में स्पेस दिया था तो आंसर इज वन फोर्टी फाइव प्रिंट सेवन एटी नाइन में आ, दिया था तो आंसर इज सेवन एटी नाइन प्रिंट वन टू थ्री में मैंने स्पेस नहीं दिया प्रिंट के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया वन टू थ्री में तो इसने ये लिखा आ गया कि आपने जो लिखा है वो उसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर से देखो क्लास पी इनपुट बॉक्स में पी आर आई एंड टी द आंसर इज फाइव ओके ये आपका सिर्फ नंबर का है ऐसे हम सेंटेंस का करेंगे ऐसे हम फर्स्ट लेटर का करेंगे इसमें अभी एडिशन है सब्ट्रैक्ट है मल्टीप्लीकेशन है डिविजन है डिफरेंस है प्रोडक्ट है अभी इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए है प्रैक्टिकल में सो so, अभी जो मैंने कितना कराया है उसकी आप लोग प्रैक्टिस घर पे करोगे ओके क्लास थैंक यू क्लास